नमस्ते छात्रों, इससे पहले के भाग में हमने परीक्षा की तैयारी के बारे में सीखा था। इस सत्र में हम उसके बारे में और विस्तार में जानेंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न है। जब आप मीठा शब्द सुनते हैं तो आपको शायद हलवा, लड्डू, गन्ना इत्यादि का ख्याल आता होगा। इसी तरह जब आप परीक्षा शब्द सुनते हैं तब सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? धन्यवाद। हम परीक्षा की तैयारी 3 चरणों में कर सकते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले, परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद का दिन। हम एक एक करके इन 3 चरणों के बारे में जानेंगे। पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहाँ आकर बता सकते हैं कि आप परीक्षा के एक दिन पहले क्या तैयारी करते हैं? धन्यवाद। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। इकबाल और मुकुल मित्र हैं। मुकुल के माता पिता दूसरे शहर में किसी काम से गए हैं, इसीलिए वह इकबाल के घर ठहर कर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इकबाल हिंदी की तैयारी कर रहा है, जो कि उनकी पहली परीक्षा थी। पर उसने देखा कि मुकुल गणित की तैयारी कर रहा था। इकबाल ने कहा, अरे लगता है कि तुम हिंदी की पूरी तैयारी कर चुके हो, तुम अभी से गणित पढ़ने लग गए, उसकी परीक्षा तो 4 दिन बाद है। मुकुल ने कहा, मजाक क्यों कर रहे हो, कल गणित की परीक्षा है भाई, क्या तुमने टाइम टेबल नहीं देखा? फिर उसने इकबाल को टाइम टेबल दिखाया। तब इकबाल को एहसास हुआ कि वह गलत था। यह गलती क्यों और कैसे हुई? क्योंकि उसने टाइम टेबल ठीक से देखा ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन हिंदी की परीक्षा केवल उसके लिए ही होने वाली थी, क्योंकि स्कूल के छात्रों को टाइम टेबल नहीं दिया गया था। इकबाल ने टाइम टेबल ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि हिंदी की परीक्षा कब है। आमतौर पर हिंदी की परीक्षा सबसे पहले होती थी, इसलिए उसने सोचा कि इस बार भी हिंदी की परीक्षा सबसे पहले होगी। इस गलती से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? उसे टाइम टेबल सही तरीके से लिखकर ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए था जहां से वो कभी भी उसे देख पाता। ऐसा करने से मन में कोई शंका या घबराहट रहती ही नहीं। परीक्षा के टाइम टेबल को हमेशा ठीक से देख लेना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने परीक्षा का टाइम टेबल ठीक से ना देखा हो और इस वजह से किसी और विषय की तैयारी कर ली हो? क्या आप में से कोई इसके बारे में सबको बताना चाहेगा? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं कि इकबाल और मुकुल क्या कर रहे हैं। इकबाल से जो गलती हुई उसकी वजह से वो बहुत परेशान था। मुकुल ने उसका मन बहलाने की कोशिश की। दोनों साथ मिलकर गणित की तैयारी करने लगे। इकबाल की माँ ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। खाने में बैंगन की सब्जी और रोटी थी। इकबाल को बैंगन पसंद नहीं था। इस स्थिति में
उसे क्या करना चाहिए? माँ, आप मेरे लिए एक मसालेदार आलू पराठा दो और उस पर ढेर सारा मक्खन जरूर लगाना। उसे अपनी माँ का मन रखने के लिए खूब सारी रोटियां और बैगन खा लेने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में रोटी और बैंगन की सब्जी खाने चाहिए। इकबाल को परीक्षा से पहले मसालेदार और भारी खाना नहीं खाना चाहिए। मसालेदार और भारी खाना आसानी से नहीं पचता। इसी तरह उसे पौष्टिक खाना भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में उसका पेट खराब हो सकता है और उसे नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। उसे थोड़ी सी सब्जी और रोटी ही खानी चाहिए। परीक्षा के एक दिन पहले बिना मसाले वाला सादा खाना खाना चाहिए, जो आसानी से पच जाए। परीक्षा के एक दिन पहले बिना मसाले वाला सादा खाना खाना चाहिए, जो आसानी से पच जाए। आइए देखें कि इकबाल और मुकुल क्या कर रहे हैं। मुकुल फिर से परीक्षा की तैयारी करने लगा। जब इकबाल की माँ आई तो उसने पूछा, आंटी, क्या आप हमारे लिए चाय बना सकती हैं? हम पूरी रात जागकर पढ़ाई करने वाले हैं। उन्होंने मुकुल से क्या कहा होगा? क्या आप में से कोई दो विद्यार्थी यहाँ आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? चाय या कॉफी जैसे पेय पीने से रात की नींद में रुकावट आ सकती है। परीक्षा के पहले अच्छी नींद आना जरूरी है, इसलिए रात को चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए। मुकुल और इकबाल को चाय या कॉफी की जगह ऐसी चीज पीनी चाहिए जिससे उन्हें ऊर्जा मिले। उन्हें परीक्षा से पहले कम से कम 6 से 7 घंटों की नींद जरूर लेनी चाहिए। हमें परीक्षा के पहले दिन रात को अच्छी तरह सोना चाहिए। चाय कॉफी जैसे पेय नहीं पीने चाहिए, इनसे नींद में रुकावट आती है। इकबाल की माँ की बात मानते हुए दोनों कुछ देर टहलने गए और फिर उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की। इकबाल परीक्षा के पहले अपने नोट्स पढ़ना चाहता था। उसने देखा कि नोट्स जल्दबाजी में अस्पष्ट तरीके से लिखे हुए थे। उसकी लिखावट बहुत ही खराब थी, इसलिए उसे कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तैयारी करने के लिए मुकुल के नोट्स पढ़ने पड़े। इससे हमें क्या पता चलता है? नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए, नोट्स अच्छी और स्पष्ट लिखावट में बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का काम हमें किसी और व्यक्ति को दे देना चाहिए। अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। अगर नोट्स अच्छी तरह न बनाए गए हो तो परीक्षा के पहले तैयारी नहीं की जा सकती। किसी दूसरे व्यक्ति से नोट्स बनवाना भी हमेशा लाभदायक नहीं होता। अपने आप अच्छी लिखावट में नोट्स बनाना ही ज्यादा आसान होता है और समझने में भी दिक्कत नहीं होती। हमें फटाफट तैयारी करने के लिए अच्छी लिखावट में नोट्स बनाने चाहिए। परीक्षा के पहले नोट्स पढ़ने चाहिए। सोने से पहले मुकुल ने अपना बस्ता जमा लिया। उसने ध्यान से सारी चीजें रख ली, अगले दिन की परीक्षा के नोट्स, पेन पेंसिल, हॉल टिकट और परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड। पर मुकुल के कहने के बावजूद इकबाल ने अपना बस्ता नहीं जमाया। सुबह उठकर
इकबाल अपनी चीजें ढूंढने लगा और उसे बहुत परेशानी हुई। क्या आप में से कोई यहाँ आकर इकबाल की भूमिका निभा सकता है? धन्यवाद। हमने देखा कि इकबाल व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करता। उसे रात को सोने से पहले ही सारी चीजें बस्ते में डाल देनी चाहिए। पेन पेंसिल के अलावा उसे जरूरी कागज जैसे कि परीक्षा प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड, स्कूल के कपड़े इत्यादि पहले से तैयार रखने चाहिए ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी ना हो। परीक्षा के दिन आमतौर पर ज्यादा तनाव होता है, इसीलिए व्यवस्थित तरीके से काम करने से तनाव नहीं बढ़ता। हमें सभी जरूरी चीजें पेन पेंसिल आईडी कार्ड इत्यादि रात को ही संभाल कर रख लेनी चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? हमेशा टाइम टेबल को ध्यान से देखें। परीक्षा के पहले तैयारी के लिए नोट्स स्पष्ट लिखावट में बनाएं। परीक्षा के एक दिन पहले पौष्टिक और स्वच्छ भोजन खाएं। चाय, कॉफी इत्यादि ऐसी चीजें ना पिए। अच्छी तरह आराम करें और पूरी नींद लें। पूरी तैयारी कर लें। पढ़ाई सामग्री जैसे कि पेन पेंसिल इत्यादि। नमस्ते छात्रों, क्या अब आप परीक्षा के भय से मुक्त हो गए हैं? बहुत बढ़िया। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि परीक्षा के एक दिन पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस सत्र में हम सीखेंगे कि परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम इकबाल और मुकुल के बारे में बात करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएं? मुकुल और इकबाल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इकबाल ने नाश्ता करने के बाद एक ग्लास जूस पिया। मुकुल नाश्ता ही नहीं करना चाहता था, पर इकबाल की माँ ने उससे बात की और उसे हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए मना लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी हाँ, अगर आप भूखे पेट परीक्षा देने जाएंगे तो आपको थकान, चक्कर या ऐसी कोई अन्य समस्या हो सकती है। आप में परीक्षा देने की ताकत नहीं रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर में तरल पदार्थों की कमी से ऐठन आने लगती है। हल्का नाश्ता करने से और कुछ पौष्टिक पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती और ऐठन भी नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, परीक्षा के दिन और उसके एक दिन पहले हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो पौष्टिक हो और आसानी से पच जाए। आवश्यकता के अनुसार पानी पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें परीक्षा के दिन पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्या आपने कभी भूखे पेट कोई परीक्षा दी है और उसकी वजह से क्या आपको कोई नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे?
का अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। नाश्ते के बाद मुकुल स्कूल जाने के लिए तैयार था। इकबाल ने कहा, स्कूल बस आने में अभी 15 मिनट है, हम 5 मिनट बाद भी निकल सकते हैं। मुकुल ने कुछ जवाब दिया। उसके बाद इकबाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो, चलो हम स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों स्कूल जाने के लिए निकल गए। आपको क्या लगता है, मुकुल ने इकबाल से क्या कहा होगा? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। क्या आपने इस वार्तालाप पर ध्यान दिया? मुकुल ने कहा, समय के हिसाब से बस 15 मिनट बाद आने वाली होगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि बस जल्दी आ जाए या फिर आए ही ना। अगर हम स्कूल की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ लें, तो हम इस तनाव से बच सकते हैं। क्या मुकुल सही कह रहा था? जी हाँ, तनाव से बचने के लिए यह बेहतर होगा कि हम समय से पहले स्कूल पहुंच जाए। परीक्षा के लिए हमेशा समय से पहले पहुंचना ही अच्छा होता है। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए देर से पहुंचे हैं? क्या आप अपने अनुभव के बारे में किसी अच्छे मित्र को बताना चाहेंगे? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। इकबाल और मुकुल समय से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। परीक्षक ने सबको प्रश्न पत्र दिए। इकबाल और मुकुल को प्रश्न पत्र लेने के बाद क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न पढ़ते ही उत्तर लिखना शुरू कर देना चाहिए। पूरा प्रश्न पत्र एक बार पढ़ लेना चाहिए और जो प्रश्न उन्हें अच्छी तरह आते हैं उनके जवाब सबसे पहले लिखने चाहिए। आसपास देखना चाहिए कि अन्य विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। हमें सारे प्रश्न एक बार पढ़ लेने चाहिए और फिर जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह पता हो वो सबसे पहले लिखने चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सही प्रश्न पत्र मिला है या नहीं, और हम ये भी समझ पाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में हमें कितना समय लगेगा। यह तरीका अपनाने से हम परीक्षा अच्छी तरह दे पाएंगे, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र पढ़ने में और प्रत्येक जवाब लिखने में कितना समय लगेगा यह तय करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमें परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा। हमें उत्तर लिखने से पहले सारे प्रश्न एक बार पढ़ लेने चाहिए। आइए देखते हैं कि अंग्रेजी की परीक्षा के दिन इकबाल के साथ क्या हुआ। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में उसकी मनपसंद कविता के बारे में एक निबंध वाला प्रश्न था। प्रश्न देखकर इकबाल बहुत खुश हुआ और उत्तर लिखने में खो गया। जब परीक्षक ने घोषणा की कि केवल आधा घंटा बचा है, तब उसे एहसास हुआ कि अभी उसे कई प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वह फटाफट सारे उत्तर लिखने लगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? उसे प्रत्येक प्रश्न के लिए सोच समझकर समय देना चाहिए था। फटाफट उत्तर लिखने की जगह उसे बाकी के प्रश्न छोड़ देने चाहिए थे। परीक्षा पूरी होने की घंटी बजने के बाद भी उसे उत्तर लिखते रहने चाहिए थे।
इकबाल से भी वही गलती हुई जो परीक्षा के दौरान अन्य कई छात्रों के साथ होती है। जिस प्रश्न का उत्तर उन्हें अच्छी तरह आता है उस पर ज्यादा समय बिताते हैं और बाकी प्रश्नों को फटाफट निपटा देते हैं। अगर उसने प्रत्येक प्रश्न को उचित समय दिया होता तो वह इस परिस्थिति से बच सकता था। कई बार इसका विपरीत भी होता है। कुछ छात्र कठिन प्रश्न को हल करने में ज्यादा समय बिता देते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें आता है उसमें बहुत कम समय देते हैं। यह स्थिति भी खतरनाक हो सकती है। इससे आपके परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। सभी प्रश्नों को उचित समय देने से हम इस समस्या से बच सकते हैं। हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए उचित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रश्न को ज्यादा समय दिया हो और उसकी वजह से आपको कोई नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा हो? क्या आप इसके बारे में अपने किसी करीबी मित्र को बताएंगे? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब एक क्रियाकलाप। आइए हम देखते हैं कि परीक्षा अच्छी तरह लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाई जाएंगे जिनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में भरने के लिए आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। आपको उनमें से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। क्या आप तैयार हैं? जिस उत्तर पुस्तिका में कुछ काटा न गया हो और सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हो वह क्या होती है? एक उत्तर पुस्तिका रिक्त होनी चाहिए। उसमें कोई भी उत्तर अधूरे नहीं होने चाहिए। अगर हम रिक्त से काम करें तो हम छोटी बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। प्रत्येक उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए रिक्त होना चाहिए। परीक्षा लिखते वक्त हमें रिक्त नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक उत्तर में रिक्त होनी चाहिए। जब कोई शंका हो तो पहले रिक्त तैयार करने से मदद मिल सकती है। रिक्त प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पूरा करने की कुंजी है। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? क्या हम सही उत्तर देख लें? जिस उत्तर पुस्तिका में कुछ काटा न गया हो और सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हो वह प्रस्तुत करने योग्य होती है। एक उत्तर पुस्तिका पूरी होनी चाहिए। उसमें कोई भी उत्तर अधूरे नहीं होने चाहिए। अगर हम सावधानी से काम करें तो हम छोटी बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। प्रत्येक उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए उचित होना चाहिए। परीक्षा लिखते वक्त हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक उत्तर में स्पष्टता होनी चाहिए। जब कोई शंका हो तो पहले उत्तर की रूपरेखा तैयार करने से मदद मिल सकती है।
समय का प्रबंधन प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पूरा करने की कुंजी है। मुझे यकीन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अच्छी तरह परीक्षा दे पाएंगे। इकबाल गणित की परीक्षा दे रहा था। एक कठिन प्रश्न में वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन से प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ बेंच पर एक ऊंची कक्षा का छात्र बैठा था। परीक्षक उत्तर पुस्तिका देने में व्यस्त था। इकबाल सोच रहा था कि धीरे से फुसफुसाकर वह उस छात्र से पूछ ले कि कौन से प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसे यह पता चल जाए तो वह खुद ही उत्तर निकाल लेगा। वह अपने पास बैठे छात्र से यह पूछने के लिए अधीर हो रहा था। इकबाल को क्या करना चाहिए? उसे प्रमेय के बारे में पूछ लेना चाहिए, प्रमेय पूछने का प्रलोभन छोड़ देना चाहिए, उसे यह सोचकर निराश हो जाना चाहिए कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। दूसरे छात्र से मदद लेने का अर्थ है बेईमानी करना। यह दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ बेईमानी होगी। उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इस बारे में सोचकर निराश होने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे उसकी परीक्षा के परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। उसे प्रमेय के बारे में नहीं पूछना चाहिए, यह नियमों के विरुद्ध है। अगर परीक्षक को पता चल जाए कि उसने बेईमानी की है तो उसे परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसका आत्मसम्मान और उसकी इज्जत दोनों ही कम हो जाएगी। आत्मसम्मान गंवाने से बेहतर है कि वह परीक्षा में कुछ अंक कम ले आए। बेईमानी करके ज्यादा अंक प्राप्त करने से तो अच्छा है कि हम उतने ही अंक लाए जितने के हम हकदार हैं। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और जो हमें आता है वही लिखना चाहिए। क्या हम एक शपथ लें? कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना सीधा हाथ इस तरह अपनी छाती पर रखें और मेरे बाद दोहराएं। परीक्षा के दौरान मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा या करूंगी, मैं वही लिखूंगा या लिखूंगी जो मुझे आता है, मैं किसी कागज के टुकड़े, कोई किताब या और किसी व्यक्ति की मदद से कोई उत्तर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। बेईमानी करके सफल होने से तो अच्छा है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं। अगर कोई व्यक्ति सामने होकर मेरी मदद करे तो भी मैं उसकी मदद से कोई उत्तर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। उस प्रश्न से परेशान होने के बाद इकबाल ने दूसरे प्रश्न हल किए। समय समाप्त होने के बाद उसने अपने उत्तर परीक्षक को दे दिए। मुकुल ने सारे प्रश्न हल कर दिए थे। उसने इकबाल की तरफ देखा। इसके बाद उसे क्या करना चाहिए? अपने उत्तर परीक्षक को देकर बाहर चले जाना चाहिए,
आखिरी घंटी बजने से पहले सारे उत्तर एक बार जांच लेने चाहिए ताकि कोई गलती ना रह जाए। बैठे बैठे घंटी बजने का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना या फिर घंटी के बजने का इंतजार करना सही नहीं होता। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। जो भी समय बचा हो उसमें आप उत्तर फिर से पढ़कर कुछ छोटी मोटी गलतियों को सुधार सकते हैं। ऐसा करने से आपको ज्यादा अच्छे अंक भी मिल सकते हैं। हमें जल्दबाजी में परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने अब तक इस बात पर ध्यान दिया कि परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि परीक्षा के बाद किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के बाद इकबाल अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहा था। उसे पता चला कि उसने एक प्रश्न का उत्तर गलत लिख दिया है क्योंकि उसने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा था। अब इकबाल को क्या करना चाहिए? गलती के बारे में सोचकर दुखी होना चाहिए, गलती की वजह से खुद को कोसना चाहिए, यह ठान लेना चाहिए कि अब वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दुखी होना या खुद को कोसना व्यर्थ होगा। इससे बेहतर तो यह होगा कि वह इस अनुभव से कुछ सीखे। इसलिए सबसे उचित यही होगा कि वह ठान ले कि ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा। हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचकर निराश नहीं होना चाहिए। गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मुकुल ने बाहर आकर देखा कि इकबाल दो विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। उसने इकबाल से कहा, जो परीक्षा हो गई उसके बारे में भूल जाओ, चलो घर चले। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया था। मुकुल इकबाल को वहां से क्यों ले गया? जो परीक्षा हो चुकी है उसके बारे में ज्यादा सोचना उचित नहीं होता। उससे तो केवल तनाव बढ़ता है और समय भी बर्बाद होता है। इकबाल को अपना मन बहलाना चाहिए और आने वाली परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। उसने जो गलतियां की थी उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ने की मदद मिलती है। हमें बीती हुई परीक्षा के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या आप परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करते हैं? जब आपको पता चला कि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर लिखा है तो आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। इकबाल और मुकुल घर पहुंच गए। उनकी अगली परीक्षा एक दिन के बाद है।
उन्हें क्या करना चाहिए? खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। घर पहुंचते ही अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खाना खाते समय भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। उचित उत्तर है, खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद पौष्टिक खाने की और आराम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, परीक्षा के समय काफी तनाव होता है, इसलिए शरीर में ऊर्जा बनाए रखना और दिमाग को ताजा रखना जरूरी है। उचित भोजन और आराम से हमारा शरीर स्वस्थ महसूस करता है। हमें खाना खाकर और कुछ देर आराम करके अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अब आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? आपने क्या योजना बनाई है? क्या आप में से कुछ विद्यार्थी इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? परीक्षा के दिन हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, उचित मात्रा में पानी पिए, समय से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच जाए, घबराएं नहीं, सकारात्मक सोच रखें, सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए उचित समय रखें। परीक्षा के दौरान यह करें, प्रस्तुत करने योग्य उत्तर पुस्तिका, पूरे जवाब लिखें, समय का प्रबंधन, उत्तर की रूपरेखा बनाना, यह ना करें, इधर उधर देखना, छोटी मोटी गलतियां, ईमानदारी से काम करें, परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की जल्दबाजी में ना रहें। परीक्षा के बाद जो गलतियां हो गई हैं, उनके बारे में ज्यादा ना सोचें और समय बर्बाद ना करें। खाना खाकर और आराम करके अगली परीक्षा पर ध्यान दें। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।